नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको कहां कहां प्रयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, जहाँ एरोप्लेन बनते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि कार फ्यूल टैंक को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं ऑटोमोटिव के जहां पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक क्षेत्र में भी माइक्रो वेल्डिंग के तौर पर इस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर कास्ट आयरन या स्टील की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर भी इस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। सीट और ट्यूब्स की जॉइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेटल कंटेनर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और मेटल के फर्नीचर बनाने में भी इस टाइप की वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह एक फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस है जहाँ पर ज्वाइंट पर हीट और प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का फिलर रोड और फ्लक्स का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। ये इसके टाइप्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग को विस्तार से जानेंगे। जैसे अब इस डायग्राम को हम देखते हैं, इसमें नंबर से इंडिकेट किया गया है, जो 1 और 7 हैं वो कॉपर अलॉय इलेक्ट्रोड को इंडिकेट करते हैं। जो इसमें 2 और 6 जो यहाँ पर येलो सर्कल हैं, ये इलेक्ट्रोड और वर्कपीस इंटरफेस को इंडिकेट करते हैं। 3 और 5 यहाँ पर वर्कपीस को इंडिकेट करते हैं, जिन्हें हमें ज्वाइन करना है। जो 4 नंबर है, यह फेंग सरफेस को इंडिकेट करता है। और इलेक्ट्रोड के बीच में जो वाइट कलर हमें नज़र आ रहा है, यह कूलिंग चैम्बर है जिसमें वाटर सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड 1 और 7 है को वर्कपीस 3 और 5 के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है, और जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती है, जिनकी मदद से वर्कपीस में इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, जिससे सबसे पहले टॉप और बॉटम में जो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के 2 और 6 इंटरफेस हैं, वहाँ पर हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से। और साथ में फेंग सरफेस जो 4 से हमें दर्शाया गया है, वहाँ पर भी हीट जनरेट होती है। फेंग सरफेस पर जो हीट जनरेट होगी, वह दोनों वर्कपीस 3 और 5 को मेल्ट कर नगट बना देती है, क्योंकि 4 पॉइंट पर ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हीट की वजह से 2 और 5 जो टॉप और बॉटम में इलेक्ट्रोड और वर्कपीस इंटरफेस हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की मेल्टिंग से बचने के लिए इलेक्ट्रोड 1 और 7 को एक कूलिंग चैम्बर में वाटर को सर्कुलेट किया जाता है। और बढ़िया से बढ़िया रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दौरान मेटालिक वर्कपीस के रेजिस्टेंस के थ्रू नियंत्रित या कंट्रोल्ड डेंसिटी के इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना। अगर इलेक्ट्रिकली हम बात करें, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए कुछ हद तक रेजिस्टेंस मौजूद होता है, जिसके कारण जब वर्कपीस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो हीट एनर्जी पैदा होती है, ये कह सकते हैं जनरेट होती है। और करंट की जितनी ज़्यादा एम्पियर होगी और ड्यूरेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इस पूरे कथन को एक इक्वेशन से इसको एक्सप्रेस किया गया है, और वह इक्वेशन है H=I²RT। और इस इक्वेशन से यह क्लियर है
कि हीट या वेल्ड एनर्जी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है जैसे ही करंट बढ़ता है, और यही वो वेल नोन प्रिंसिपल है जिस पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग आधारित होती है। और इस इक्वेशन में जो एच है वह वर्क पीस में जो टोटल हीट जनरेट हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसकी यूनिट जूल होती है। आई इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी यूनिट एम्पियर है। कैपिटल आर ज्वाइंट के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है जिसकी यूनिट ओम है। टी स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है जब इलेक्ट्रिक करंट को ज्वाइंट से गुजारा जाता है, और इसकी यूनिट सेकंड है। और इक्वेशन में आई स्क्वेयर है, इसका मतलब यह है किसी भी वेल्ड को प्रॉपरली वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को प्रॉपरली कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं लो वोल्टेज और हाई करंट। इसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तकरीबन 1 वोल्ट की वोल्टेज होती है और हाई जो करंट होता है वह 5000 एम्पियर के करीब होता है। इस वेल्डिंग में जो टाइमिंग है वह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे ही वेल्ड शुरू होता है प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं करंट जब तक ऑन रहता है जब तक वेल्ड कंप्लीट ना हो जाए। वेल्ड कंप्लीट होने पर करंट ऑफ कर देते हैं, लेकिन जो प्रेशर है वह अप्लाई रहता है जब तक वेल्ड कूल ना हो जाए, जिससे इलेक्ट्रोड आर्क प्रोड्यूस नहीं करती और वेल्ड को डिसकलरेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। और जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसको मैन्युअली भी किया जा सकता है या फिर मैकेनिकली अप्लाई किया जा सकता है स्प्रिंग की मदद से, एयर प्रेशर की मदद से या हाइड्रोलिक्स की मदद से। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अब आप डिस्कस करेंगे हम। वेल्डिंग करंट कॉपर इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से अप्लाई किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड प्रेशर। जो प्रेशर होता है तकरीबन 28 से 55 मेगा पास्कल के करीब होता है, और जो इलेक्ट्रोड का डायामीटर जिससे वर्कपीस का कॉन्टैक्ट होता है उससे ही इलेक्ट्रिक करंट की डेंसिटी का पता चलता है, और कितना इलेक्ट्रोड प्रेशर अप्लाई किया जाए इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट रेजिस्टेंस पर पड़ता है। सभी इंटरफेसिंग लेयर्स के अक्रॉस, चाहे वो वेल्ड जोन हो या फिर वेल्ड इलेक्ट्रोड वर्कपीस इंटरफेस का एरिया हो, वेल्ड जोन वो है जहाँ पर वेल्ड नगेट बनता है, और वेल्ड नगेट इसमें हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में कहते हैं, आर्क वेल्डिंग के केस में उसको वेल्ड बीड के नाम से जाना जाता है। जो इलेक्ट्रोड हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती हैं वह लार्ज अमाउंट में करंट और प्रेशर को कैरी करती हैं, और साथ में वेल्ड जोन से हीट को रिमूव करने में भी मदद करती हैं। इलेक्ट्रोड के कूलिंग चैम्बर में वाटर सर्कुलेशन के माध्यम से, जिसे ओवरहीटिंग से बचाव होता है, और वर्कपीस के सरफेस फ्यूजन से भी बचा जा सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रोड्स के लिए ज़्यादा हार्डनेस और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का होना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कॉपर को अलॉय फॉर्म में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम की वेल्डिंग करनी है तो इलेक्ट्रोड कॉपर कैडमियम की बनी होती है। माइल्ड स्टील या फिर लो अलॉय स्टील की वेल्डिंग के लिए कॉपर क्रोमियम से बनी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हीट का ट्रांसफ़र, मतलब हमें प्रॉपर फ्यूज़न तभी मिलेगा जब हीट बैलेंस प्रॉपर होगा। इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, अगर एक वर्कपीस की प्लेट थिक है और दूसरी वर्कपीस की प्लेट थिन है, तो इसके लिए थिक प्लेट की तरफ थिक इलेक्ट्रोड और थिन प्लेट की तरफ थिन इलेक्ट्रोड, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर वर्कपीस को दोनों प्लेट्स जिन्हें वेल्ड करना है उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है अलग अलग है, तो इसके लिए जो हाई कंडक्टिविटी मेटल है उसकी तरफ इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल रखा जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। और अब बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले इसकी जो एडवांटेज है
लेस स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की मशीन को ऑपरेट करने के लिए लेस स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन के लिए काफ़ी है फ़ायदेमंद रहता है। ज्वाइंट लेस डिस्टोर्शन, मतलब कि वेल्डिंग के दौरान बहुत कम एरिया को मेल्ट किया जाता है, जिससे वर्क पीस को वेल्ड करने के लिए बहुत कम एरिया को ही मेल्ट किया जाता है। डिसिमिलर मेटल एज वेल एज मेटल ऑफ डिफरेंट थिकनेस वेल्ड, अलग अलग मेटल्स को इसमें वेल्ड किया जा सकता है और अलग अलग थिकनेस की। इकोनॉमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल पावर और स्मॉल इलेक्ट्रोड वियर को छोड़कर किसी भी कंज्यूमेबल का प्रयोग नहीं किया जाता। हाई स्पीड वेल्डिंग प्रोसेस है, इसका सेमी ऑटोमेटिक या फिर फुली ऑटोमेटिक करना भी संभव रहता है। इसमें कोई फिलर रोड या फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बावजूद इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे इसकी जो इनिशियल जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस के लिए स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ज़्यादातर जो ऑपरेशन हैं वो लैप ज्वाइंट तक ही सीमित हैं, बिगर जॉब थिकनेस को आप इसमें वेल्ड नहीं कर सकते। दूसरा, जो इसमें ज्वाइंट्स होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है या फटीक स्ट्रेंथ होती है वह भी कम रहती है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।